लंबे समय से चल रहे विवादों के बीच आखिरकार पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर प्रकाशित हो गई। किताब में दिवंगत राष्ट्रपति ने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं का जिक्र करते हुए कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। उन्होंने कांग्रेस को लेकर लिखा कि अब इस पार्टी का करिश्माई नेतृत्व खो चुका है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की किताब द प्रेसिडेंशियल ईयर्स प्रकाशित हो गई है। इस किताब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नोटबंदी से लेकर 2014 में कांग्रेस के हार तक का जिक्र किया गया है। इस किताब में दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं का जिक्र करते हुए कई चौंकाने वाली बातें भी लिखी है। उन्होंने कांग्रेस को लेकर लिखा कि अब इस पार्टी का करिश्माई नेतृत्व खो चुका है। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लिखा कि उन्हें अपने से पहले के प्रधानमंत्रियों से सीखना चाहिए। दिवंगत प्रणब मुखर्जी ने अपने संस्मरण द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012 टू 2017 में इन बातों का जिक्र किया है। उन्होंने पुस्तक पिछले साल अपने निधन से पहले लिखी थी। ये पुस्तक मंगलवार को प्रकाशित होकर आई। किताब में प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि चाहे जवाहरलाल नेहरू हो या फिर इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी अथवा मनमोहन सिंह, इन सभी ने सदन के पटल पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। किताब में लिखा कि अपने दूसरे कार्यकाल में अब पीएम मोदी को अपने पूर्ववर्तियों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन परिस्थितियों से बचने के लिए संसद में अपनी मौजूदगी के जरिए, जो संसदीय संकट हम पहले कार्यकाल में देख चुके हैं, उससे बचने के लिए अपनी मौजूदगी रखनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि पीएम मोदी को असंतुष्ट आवाजों को सुनना चाहिए और संसद में अधिक बार बोलना चाहिए। उन्हें विपक्ष को समझाने और देश को अवगत कराने के लिए अपने विचारों को रखने के लिए संसद का एक मंच के रूप में उपयोग करना चाहिए। इस पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। प्रणब मुखर्जी से इधर के इस युग में कोई बड़ा नेता नहीं है और पूरे जीवन पर्यंत जिस तरह से वो कांग्रेस में रहे, राष्ट्रपति होकर के, और उन्होंने अगर कांग्रेस पार्टी के बारे में जो भी लिखा है तो वो उन्होंने सच्चाई लिखी है। अब सच्चाई लिखी तो कम से कम अब प्रणब मुखर्जी के द्वारा चीज़ों के रहस्योद्घाटन के बाद कम से कम अब कांग्रेस के नेतृत्व को आत्मविश्लेषण करना चाहिए और कांग्रेस जो डूबती हुई नैया उसको बचाने का काम करना चाहिए। प्रणब मुखर्जी का कहना था कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के दौरान वो विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ साथ यूपीए के भी सीनियर नेताओं के साथ लगातार संपर्क में रहते थे और जटिल मुद्दों का समाधान निकालते थे। उन्होंने लिखा कि मेरा काम सदन को चलाना था, भले ही इसका मतलब विपक्ष गठबंधन के सदस्यों से मिलना और राजी करना हो। मैं सदन में हर समय उपस्थित रहता था ताकि अगर कोई मसला खड़ा हो, कोई विवादास्पद मुद्दा उठे तो उसका समाधान किया जा सके। अपने पुस्तक में एनडीए के 2014 से 2019 के कार्यकाल पर भी निशाना उन्होंने साधा है। उन्होंने एनडीए को संसद के सुचारू और उचित कामकाज को सुनिश्चित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी में नाकाम बताया। प्रणब मुखर्जी ने लिखा कि मैं विपक्ष और सरकार पक्ष में तीखे तकरार के लिए सरकार के अहंकार और स्थिति को न संभाल पाने को जिम्मेदार मानता हूं। हालांकि विपक्ष भी कम जिम्मेदार नहीं है, विपक्ष ने भी गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाया था। प्रणब मुखर्जी ने 2014 में चुनाव में कांग्रेस को मिली हार पर भी राय व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि 2014 में हार के कारणों में से एक वजह यह भी थी कि कांग्रेस अपने करिश्माई नेतृत्व को पहचानने में नाकाम रही। इस पुस्तक के प्रकाशित होने के बाद राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि 2014 में लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो ये विश्वास करना मुश्किल था कि कांग्रेस सिर्फ 44 सीटें जीतने में कामयाब रही है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय संस्था है जो लोगों के जीवन के साथ जुड़ी है। इसका भविष्य हमेशा हर व्यक्ति की चिंता का विषय है। वहीं मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि पीएम मोदी अपने पहले कार्यकाल में संसद को सुचारू रूप से चलाने में विफल रहे और इसकी वजह उनका अहंकार रहा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।